मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है और प्रदेश में हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 12 मौतें, आंकड़ा तो बड़ा है, क्या चूक हुई है या ये इस तरह की गर्मी अमूमन मई में नहीं पड़ती है, तैयारियां नहीं हो पाई? यही है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि टेम्परेचर मई में भी इतना हाई हो जाएगा। उसके कारण हीट वेव हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान में 12 लोगों की मौत हो गई है। और हीट वेव से बचने के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, वो हमारे विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मैं सभी लोगों से, जो हमारे राज्य के लोग जिनको धूप में निकलना पड़ता है, ये ध्यान रखें कि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो तो नहीं निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो सावधानी से निकलें। और इसमें मैंने एक डॉक्टर से भी बात की है, जो ये संशय खबर आई थी कि अगर एसी से बाहर तेज़ धूप में जाएंगे तो स्ट्रोक भी हो जाता है। इसलिए धूप से बचना, तेज़ धूप में नहीं जाना, और कम से कम हाई ब्लड प्रेशर वाला, डायबिटीज़ वाला, जो जिनको ज़्यादा असर डालता है हीट वेव, उनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आपदा प्रबंधन कुछ ज़रूरी कदम उठा रहा है सर? इसको जैसा NDRF और SDRF की जो गाइडलाइन है उसमें इसको शामिल नहीं किया हुआ नेचुरल कैलेमिटी में, इसलिए मुख्यमंत्री सहायता कोष एक ऐसा जरिया बनता है जिससे ऐसे लोगों की मदद किए जाने की दृष्टि से मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। 12 लोगों के अलावा अगर हम बात करें आने वाले दिनों में और मौतें नहीं हों तो बाड़मेर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान, चूरू, शेखावाटी का जो इलाका है वहाँ के लिए कोई अतिरिक्त प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं? सावधानी बरतने के सिवा और चेतावनी मौसम विभाग देता रहता है, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये सभी जगह होता है। और जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो फुटपाथ पे सोने वालों को टेंट लगा दिए जाते हैं, तो कोई ऐसे फुटपाती लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि टेंट में कुछ कूलिंग सिस्टम हो और लोग हीट से बच सकें। सर, आपकी चिट्ठियों की बहुत चर्चा है, पहले CM और फिर PM को आपने चिट्ठी लिखी है। अब चर्चाएं तो ख़त्म हो गई, उस पर क्या बात करना। पर यह है कि पिछले राज में जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं उनकी जानकारी मैं बराबर मुख्यमंत्री जी को देता रहता हूँ, और उसका परिणाम है कि रीट पेपर में और पेपर लीक में, बाकी के पेपर लीक में जो मुद्दे मैंने उठाए थे पिछली सरकार ने नहीं सुने, तो भजन लाल ने सरकार ने सुने, तो 38 सब इंस्पेक्टर जेल की हवा खा रहे हैं। और हमारे ऐसे कई कार्रवाई सरकार ने की हैं, जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ हो, कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई हो, जिसके एंटी गैंगस्टर एक्ट को प्रभावी बनाया, उसके लिए टीम बनाई है और SIT गठित की है, जिसके जरिए सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। एक मामला जो मेरे विभाग का था, जो आपकी जानकारी में, हॉर्टिकल्चर की बेशकीमती ज़मीन कौड़ियों के भाव में बेच दी थी, तो मुख्यमंत्री जी की नोटिस में लाए और उन्होंने निरस्त कर दिया। तो हमारे राज्य में भी कोई मामला ऐसा नहीं है कि कोई इस ढंग से भ्रष्टाचार फैला जाए, अनियमितता कर जाए, गड़बड़ कर दे, जैसे पिछले राज में हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार सतर्क है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार में मंत्री हैं लेकिन विपक्ष वाली भूमिका निभा रहे हैं, तो एक तरीके से जो रोल आपका है, हालांकि भूमिका बदल गई, रोल वही है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, करप्शन के इशू हैं, उन पर आप लगातार बोलते रहे। विपक्ष की भूमिका जैसा मामला नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री जी जैसे आए तो हमने ये तय किया कि पिछले राज्य में जो भी भ्रष्टाचार के मामले बने, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, जो भी पेपर लीक हुए, उन पर हमें प्रभावी कार्रवाई करनी है। और इस दौरान पिछले राज्य में जो भी
गलत अलॉटमेंट हुए, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग टीम वो समीक्षा कर रही है। तो ऐसे जो भी प्रकरण जानकारी में आएंगे, सरकार उन पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी, बकसने वाली नहीं है। तो ये कोई विपक्ष की भूमिका वाली बात नहीं है। मेरे को जैसे ही पता लगा कि ये अपना ERCP में गड़बड़ हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी में डाल दिया। पिछले राज के, पिछली सरकार के QA कबाले थे तो खुल गए और उन पर कार्रवाई हो गई। आपकी चिट्ठियों पे CM संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि ERCP में जमीन जो नीलामी वाला मामला था उसको निरस्त किया था। पक्का ले रहे हैं। और अभी मैं 20 दिन सवाई माधव रहा हूँ, वहाँ PG पेइंग गेस्ट के नाम पर जो बेशुमार होटलें बन गई सेंचुरी के क्षेत्र में, तो पिछले राज में बना डाली पर्यटन विकास के नाम से, और बड़े बड़े होटलर्स ने जो वहाँ सेंचुरी को डिस्टर्ब किया है, वो मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी में डालूंगा। जो मेरा पिछला राज का हो, विशेषकर पिछला राज का, और अब राज में भी जो गड़बड़ हो गए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई, इसलिए कि मैं विपक्ष में था तो मैं मेरा काम विपक्ष की भूमिका निभाता रहूं। अब मैं विपक्ष में तो नहीं हूं, मेरी मर्यादा है, लेकिन जो थोड़ी भी गड़बड़ किसी स्तर पर ध्यान आएगी तो मुख्यमंत्री जी को बताने की मेरी जिम्मेदारी बनती है और हमारे सब साथियों की बनती है, बताना चाहिए। तथ्य छुपा, एक गांव में अभी दौसा में वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई कि पुलिस के आतंक से पूरा गांव ही खाली हो गया, तो मैं वहाँ गया, उनको मैंने बसाया। तो ऐसी चीज़ें जो है सरकार की जानकारी में आके, कोई अन्याय नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई इरेगुलरिटी नहीं हो, कोई लुटे नहीं, कोई माफिया पनपे नहीं, बजरी का माफिया, शराब का माफिया, भू माफिया जितना पिछली बार पनपा है वो अनावश्यक पनपे नहीं, उन पर नियंत्रण रहे, ये सरकार का मन है। एकल पट्टा प्रकरण में सर जो कोर्ट में जवाब दिया है मौजूदा सरकार ने, आप उससे संतुष्ट नहीं है? PM को आपने इस चिट्ठी में डिटेल से ब्यौरा दिया है। CM भी उससे प्रसन्न नहीं है, तो मेरा तो प्रसन्न होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जिस ढंग से गुमराह करके वहाँ जवाब दिया गया, उसमें कार्रवाई भी हुई एक जांच अधिकारी पर, और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने मन बना लिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एकल पट्टा प्रकरण में किसी भी प्रकार की रियायत करने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून को सर इंतजार हो रहा है, क्या मन माफिक परिणाम रहने वाले हैं राजस्थान में? क्योंकि आपके कई चुनावी जो बयान हैं बड़े चर्चा में रहे हैं, क्योंकि महुआ में या दौसा लोकसभा सीट अगर लूज कर जाएंगे तो इस्तीफा देने की बात आई थी। नहीं नहीं, लगता तो ये कि परिणाम अनुकूल ही आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब दौसा में आए थे रोड शो करने के लिए, तो मेरे को 6-7 सीटों पर विशेष काम करने की जिम्मेदारी दे गए थे। पहले ही पार्टी ने मेरे को भेज रखा था, 11 संसदीय क्षेत्र में प्रचार करके आया, तो केवल दौसा सवाई माधोपुर, दौसा ही नहीं, उसके अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जो कहीं खोई तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं मंत्री पद त्याग दूँ। लेकिन ये तो लोकने की भावुकता में दिया गया बयान है। नहीं, मैं दिमाग से काम नहीं करता, मैं दिल से काम करता हूँ, दिल से विचार प्रकट करता हूँ, तो मेरे दिल के अंतर तल से ये बात निकली है तो उसकी पालना करूँगा, भावुकता नहीं है। लगता है भाजपा लूज कर रही है कुछ सीटें? मेरे को तो नहीं लगता, मुख्यमंत्री जी को भी नहीं लगता। 25 की 25 सीटें राजस्थान में से तीसरी बार, ऐसा ही लग रहा है। देश में क्या सिनेरियो लग रहा है सर, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार बोल रहा है कि इस बार मोदी PM नहीं बनेंगे? PM तो मोदी जी बनेंगे, क्योंकि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों का आएगा। कांग्रेस तो राजस्थान में भी बोल रही थी हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे, जो 70 पर अटक गई, सत्ता विहीन हो गई और भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, वो तो बढ़ चढ़ के बताते रहते हैं, बयानबाजी रहे राजनीतिक, कौन कहेगा कि मैं हार रहा हूँ, मैं सत्ता में नहीं आ रहा हूँ, आएगा तो मोदी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से जो मौतें हुई हैं, कोशिश करेंगे कि उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद दिलवाई जाए, और राजस्थान में जिस तरीके से इन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, बोले मैं भूमिका अपनी निभाता रहूंगा भले ही मैं मंत्री पद पर हूं, और साथ में देश के चुनाव के परिणामों को लेकर राजस्थान में 25 सीट जीतने का दावा है और कह रहे हैं कि मोदी ही दोबारा फिर से PM बनेंगे। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV।